हेलो एवरीवन, अब हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव्स के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी जो वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप सबने होप उसे देख लिया हो अभी तक। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने गूगल क्लासरूम ऐप में जा कर के जो इन्विटेशन मैंने भेजा हुआ है आपके जीमेल अकाउंट पर, उसका मैसेज है, आप मेरी ईमेल आईडी के नाम से उसमें सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फर्दर जो भी वीडियोस हैं, सारे लेक्चर्स आपको व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, आपको गूगल क्लासरूम ऐप का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट इन जनरल, यानी जो भी इंटेग्यूमेंट का जनरल या बेसिक पैटर्न है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि एक बेसिक इंटेग्यूमेंट या स्किन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सारी की सारी स्किन्स होती हैं किसी भी वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनका जो बेसिक प्लान होता है वो सेम होता है। सभी मल्टी सेल्युलर होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड पाए जाते हैं। जो आउटर वाला यानी बाहर की तरफ का जो भाग है उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, जो कि एक्टोडर्म से ओरिजिन होता है, यानी इसकी उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म से होती है। ड्यूरिंग द आपका जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस टाइम पे। इसके बाद अगर हम सेकेंड पोर्शन की बात करें तो दैट इज़ इनर डर्मिस, जो कि मीजोडर्म से डिराइव होता है या जिसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। और दोनों की एबंडेंस की अगर हम बात करें या दोनों के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होंगी, ये उस एनिमल के हैबिटेट या एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस यानी जो आउटर वाली सरफेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की लेयर होती है, यानी इसमें बहुत सारे स्ट्रेटाज होते हैं, बहुत सारी परतें हो सकती हैं, और ये एज़ कम्पेयर टू डर्मिस काफ़ी थिन होती है यानी पतली होती है। तो जनरली इनके हम बेसिक प्लान में दो रीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट वाला रीजन है वो जनरली स्क्वैमस सेल से जो बना होता है, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम या कॉर्निफाइड रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये स्किन का सबसे बाहरी भाग बनाने का काम करता है और इसी में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसका नाम केराटिन है, वो आ करके एक्यूमुलेट होती है यानी जमा होती जाती है, और टाइम टाइम पर जब वो यूज़फुल नहीं रह जाती है तो उसका रिमूवल या तो स्कर्व के फॉर्म में या डैंड्रफ के फॉर्म में वहाँ से कर दिया जाता है। तो केराटिन की अगर हम बात करें तो ये वाटर में इंसॉल्युबल एक प्रोटीन होती है, जिससे ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह वहाँ पर काम कर पाती है, और साथ ही साथ ये बॉडी को बहुत सारे मैकेनिकल इंजरीज से, फंगल इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है, और ये बॉडी को मॉइस्ट रखने का यानी वाटर को बाउंड करने का काम भी करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम जो इनर मोस्ट या वेसल रीजन है एपिडर्मिस का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली कॉलमनर सेल से बना होता है, जिसे हम मालपीजियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं, और ये जो है बिल्कुल डर्मिस के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, और डर्मिस से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब वहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे ये अलग रह पाती है। इट्स अब इसकी अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये एक्टिवली जो है डिवाइड होती रहती है, और जो इसके ऊपर के वाली जो लेयर है, कॉर्निफाइड लेयर है यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसको रिप्लेस करने का काम भी इसी के थ्रू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड में एपिडर्मिस जो है वो अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप की हो सकती होती है। अगर हम बात करें एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स की तो उनमें जो ये काफ़ी थिन होती है और उसमें म्यूकस ग्लैंड की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि म्यूसिन या म्यूकस का सिक्रीशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें लैंड वर्टिब्रेट्स या टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की
तो इनमें ये थोड़ी सी थिकर होती है, साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, और जो टीथ का इनेमल वाला पोर्शन है वो भी एक तरह से इसी से ओरिजिन होता है, और जो जो कि हमारी मैलपीजियन लेयर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सेकंड वाली जो हमारी लेयर है जो नीचे की तरफ पाई जाती है, दैट इज़ डर्मिस, या जिसे हम कोरियम के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे अंदर की तरफ वाली लेयर होती है और ये एपिडर्मिस की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अगर हम बात बात करें इसके कंपोनेंट्स की, तो इसमें काफ़ी सारे कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड कैपिलरीज आती हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर होती है, मसल फाइबर्स जो हैं चाहे वो सर्कुलर हो या किसी भी टाइप के हो, वो यहाँ पर अरेंज होते हैं। इसके अलावा नर्व फाइबर्स की एंडिंग्स यहाँ पर ओपन होती हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन यहाँ से वर्क करते हैं, और काफ़ी सारे इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ पिगमेंट सेल्स जैसे कि मेलेनोसाइट्स हैं जो बॉडी के कलर को डिसाइड करते हैं, साथ ही उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो भी यहीं पर सिचुएटेड होते हैं। कभी कभार ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जो मेलेनोसाइट्स हैं, इनके ओरिजिन का जो एक्सपेंशन एरिया है वो डर्मिस से एपिडर्मिस तक भी होता है, तो कभी कभार वो एपिडर्मिस में भी वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन जनरली उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो डर्मिस में ही होता है। फैट में एक्यूमुलेट एज रिजर्व फूड इन स्पेशल सेल, जिसे हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉडी में एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं वो फैट के एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसी तरह इस स्किन में भी एडिपोसाइट्स जो हैं वो फैट को रिजर्व करने का काम करती है, या सब क्यूटेनियस फैट को रिजर्व करने का फंक्शन करते हैं, जो कि कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्लबर वाले पोर्शन में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दैट इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, क्या क्या व्युत्पाद होते हैं इस अध्यावरण के या स्किन के, मतलब स्किन में और क्या क्या एक्स्ट्रा जो थिंग्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं बहुत सारे होते हैं और बहुत ही इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम डिटेल स्टडी के थ्रू ही समझ पाते हैं। अगर हम बात करें तो इन्हें हम इनके ओरिजिन की बेसिस पर या इनके प्लेस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पर इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मल विच इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस, एंड द सेकेंड वन इज़ डर्मल, द वन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द डर्मिस। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर, कि एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में या इस एपिडर्मल जो एपिडर्मिस से बनी व्युत्पादों में कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं पाए जाते हैं। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स, यानी एपिडर्मल से बनने वाली ग्रंथियां, और दूसरे होते हैं हार्ड हॉर्नी स्ट्रक्चर, यानी जो हार्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि एपिडर्मल से ओरिजिनेट हुए हैं उनको हम कैटेगराइज करके यहाँ पर रखते हैं। तो इन हार्ड स्ट्रक्चर में सारे के सारे जो एपिडर्मल स्केल्स हैं, स्क्यूट्स हैं, बीक्स हैं, हॉर्न्स हैं, क्लॉज हैं, नेल्स हैं, हूप्स, फेदर्स, हेयर्स, ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो सारे के सारे हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं ये एज एन एग्जोस्केलेटन वहाँ पर वर्क करते हैं, यानी बाह्य कंकाल की तरह कार्य करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डर्मल डेरिवेटिव्स हैं, तो डर्मल डेरिवेटिव्स जनरली इनमें बहुत ही कम जो ग्लैंड्स होती हैं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जो बोनी और डर्मल स्केल्स या प्लेट्स हैं, जो हार्ड स्क्यूट्स हैं, फिन रेज हैं या एंटलर्स हैं, इन सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डर्मल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फिशेस में जो एग्जोस्केलेटन या डर्मल बोनी प्लेट्स बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लैकोडर्म है। इस स्लाइड में हम जो इनर मोस्ट या वेसल रीजन है एपिडर्मिस का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरली कॉलमनर सेल से बना होता है, जिसे हम मालपीजियन लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं,
और ये जो है बिल्कुल डर्मिस के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, और डर्मिस से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्टिंक्ट रहती है, मतलब वहाँ पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जिससे ये अलग रह पाती है। इट्स अब इसकी अगर एक्टिविटी की बात करें तो ये एक्टिवली जो है डिवाइड होती रहती है, और जो इसके ऊपर के वाली जो लेयर है, कॉर्निफाइड लेयर है, यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसको रिप्लेस करने का काम भी इसी के थ्रू होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारी जो पहली ग्लैंड है दैट इज़ म्यूकस ग्लैंड, ये जनरली जो है वो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एम्फीवियंस और फिशेज़ में ये जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। इनसे जो एक मटेरियल निकलता है, एक प्रोटीन निकलती है, दैट इज़ म्यूसिन। तो म्यूसिन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक स्लाइमी और स्टिकी म्यूकस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में वहाँ पर इनकी बॉडी को कवर कर लेता है। और जो म्यूकस है इसका फंक्शन यही है कि ये बॉडी को बाहर की तरफ से मॉइस्ट रखता है, उनकी बॉडी को स्लिपरी रखता है, और ये जो मॉइस्चर है ये बहुत सारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनको इंट्रैप करने का काम करता है, यानी वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्लिपरी है वो प्रेडेटर से कई बार इन्हें बचने में हेल्प करती है, इनकी जो स्लिपरी बॉडी है। अब ये जनरली बहुत ज़्यादा एम्फीवियन और फिश की स्किन में पाए जाते हैं। तो एम्फीवियंस में इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एम्फीवियंस में अदर कोई भी एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन के लिए या वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये भी यूनिसेल्युलर हो सकती हैं, मल्टी सेल्युलर हो सकती हैं, और इनके अगर टाइप्स की बात करें तो कुछ ग्रैन्युलर सेल्स होती हैं, कुछ बीकर शेप सेल्स होती हैं, एम्फीऑक्सिस की स्किन में ये देखने को मिलती हैं, या साइक्लोस्टोम और फिशेज में ये जनरली इस तरह के शेप की सेल्स देखने को मिल जाती हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। दैट इज़ पॉइजन ग्लैंड। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम स्नेक की पॉइजन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर पॉइजन ग्लैंड है ये स्किन में पाए जाने वाली ग्लैंड होती है जो कि जनरली टोड्स में देखने को मिलती है। अगर किसी मूवी की हम बात करें तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जो फाइनल पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट है उसमें एक सीन में ये मेंशन किया गया है कि देर वॉज अ फ्रॉग, उसकी स्किन में काफ़ी सारा पॉइजन होता है जो ह्यूमंस तक के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ऐसा उसमें दिखाया गया। हालांकि वो एक फिक्शन है, ओरिजिनली यहाँ पर जो एग्जांपल हम दिखाएंगे उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइजन ग्लैंड है एक्चुअल में ये म्यूकस ग्लैंड का ही म्यूकस ग्लैंड के से सिमिलैरिटी शो करती है, उससे इसका साइज़ काफ़ी लार्जर होता है बट इनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। और जो टोड्स होते हैं यानी जो फ्रॉग्स जो टोड्स हैं उनकी जो उनमें पीछे की तरफ हेड के पीछे की तरफ जो एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, दरअसल वो पैरोटिड ग्लैंड बहुत सारे पॉइजन ग्लैंड छोटे 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 पॉइजन ग्लैंड्स के एग्रीगेशन या उनके जमाव के कारण वहाँ पर बन जाती है और एज अ पॉइजन ग्लैंड वो फंक्शन करती है। तो इनमें जो पॉइजन होता है उसका सिक्रीशन थोड़ा सा बिटर या इरिटेटिंग टाइप का हो सकता है और समटाइम डेंजरस भी हो सकता है, जो जनरली प्रेडेटर्स से खुद को सेव करने के लिए या बचाने के लिए वहाँ पर किया जाता है। जो एम्फीवियंस के अंदर जो जनरली ग्लैंड्स होती हैं पॉइजन, वो ग्रैन्युलर ग्लैंड्स होती हैं जो कि बहुत सारे मास के फॉर्म में पैरोटिड ग्लैंड बनाती हैं एक, और वहाँ पर ये अपना सारे के सारे जो पॉइजन है वो एक कंबाइंड रूप में एक्सक्लूड करती हैं। इसके अलावा जो पॉइजन होता है ये एल्कलॉइड नेचर का होता है, जो कि एक प्लांट की अगर हम बात करें दैट इज़ फॉक्स ग्लोव, जो डिजिटेलिस पॉइजन टाइप का होता है, जो इस प्लांट से बहुत बार इंडिया में पॉइजनिंग देखने को मिलती है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्लांट पाया जाता है। तो इस टाइप की नेचर का ये एल्कलॉइड पॉइजन इसमें प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ल्यूमिनेसेंट सेल्स की या फोटोफोर्स की या प्रकाशनुवर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो प्रकाश को निकालने का या लाइट एमिशन का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं,
ऐसी भी कुछ ग्लैंड्स स्किन में प्रेजेंट होती है। जनरली ये जो डीप वाटर सी फिशेस होती हैं, यानी समुद्र में बहुत गहरे वाटर लेवल पर पाई जाने वाली जो लुमिनस टीलियोस फिशेस होती हैं, उनमें ये सेल्स देखने को मिलती हैं। तो ये कई बार ये लाइट एमिटिंग ऑर्गन की तरह वहाँ पर काम करती हैं, जिसको हम कॉमनली कहते हैं फोटोफोर्स, यानी लाइट का एमिशन करने वाले जो सेल्स होते हैं। जो फोटोफोर होते हैं ये बहुत सारे सुपरफिशियल लेयर्स के साथ बने होते हैं, और एक्चुअली में ये जो म्यूकस सेल्स होते हैं उनके मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। तो इसमें दो टाइप की लेयर्स होती हैं, पहला जो है वो मैग्नीफाइंग लेंस की तरह वर्क करती है, जबकि दूसरा ल्यूमिनस सेल्स की तरह काम करती है। यानी कि एक जो है वो वहाँ पर लाइट को एमिट करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही जो दूसरे हैं वो मैग्नीफाई करके उसको वहाँ पर स्प्रेड कराने का काम कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी दूर तक ले जाने का काम करते हैं। तो जो इनमें जो रिफ्लेक्शन के लिए जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो गुआनिन क्रिस्टल्स से बना होता है, यानी बहुत सारे वहाँ पर गुआनिन के बने क्रिस्टल्स होते हैं, उससे ये लेयर बनी होती है। और जो लाइट का एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है, मतलब बीच बीच में उसमें कुछ ह्यूज आते हैं, जनरली एक सी लाइट वहाँ पर ओरिजिनेट नहीं हो सकती है। और ये सारी की सारी जो एडॉप्टेशन है वो सिर्फ प्रेज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, यानी इनका जो भी शिकार है वो अट्रैक्ट होकर के इनके पास आ जाए, इसलिए होता है। और इसमें एक इस लाइटनिंग में एक ऑटोमेटिक स्विच भी प्रेजेंट होता है, जो जनरली ऑन ऑफ करने का काम भी कर लेता है। और ये वहाँ के लोकल जो नर्व सिस्टम है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व्स, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करें स्पाइनेक्स, एक जो कि लैंटन शार्क के फॉर्म में होती है, स्पाइनेक्स एक फिश है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि एड्रेनलिन को उसमें इंजेक्ट कराने पर ये फ्लैशेस जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, यानी उसमें लाइट चलने लगती है। समहाउ यहाँ पर एड्रेनलिन का कोई यूज़ हो सकता है, इस पर स्टडी अभी तक आगे नहीं। थैंक यू।